missing someone. मेकअप स्टार्ट करते हैं मैंने गाइस मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेना लाइक CTM रूटीन क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन भी लगा लेना मैंने सारा ऑफ स्क्रीन लगा लिया है तो अब डायरेक्ट मेकअप से स्टार्ट करूँगी प्राइमर से एंड आप देख सकते हो मेरा बेयर फेस मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है लाइक सिर्फ CTM किया है मॉइस्चराइज किया है एंड सनस्क्रीन लगाई है गाइस भाई बाहर से अगर नॉइस आया तो उसको इग्नोर करना क्योंकि मैं मेरे घर में शूट कर रही हूँ एंड जस्ट बाहर रोड है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ सकती है एंड चलो मेकअप को स्टार्ट करते हैं हमेशा आप बालों को टाई करने के बाद ही मेकअप करना वरना इतने बीच में आएंगे ना मेकअप करते करते परेशान हो जाओगे आप। सबसे पहले यूज़ कर रही मैंने CTM कर लिया है मॉइस्चराइजर लगा लिया है तो मैं अब लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, एक है NYB का ब्लर एंड प्राइमर और एक है ये स्विस ब्यूटी का पर्ल प्राइमर। ये दो टाइप के पास प्राइमर है, क्या लगाना चाहिए मेरे हिसाब से आज NYB का मैं ट्राई करने वाली हूँ कैसा है ये। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा पैक है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ख़त्म हो गया, हवा भरते हैं प्रोडक्ट से ज़्यादा तो इसमें हवा आ जाती है गाइस। क्या आप देख सकते हैं प्राइमर जहाँ जहाँ भी आपको पोर्स हो रखे हैं वहाँ पर ईजिली अप्लाई कर लो। आज हमको बेस बहुत स्मूथ चाहिए एंड थोड़ा सा मैटी भी चाहिए, मैट मैट सा बेस चाहिए सो प्राइमर लगाना गलती से भी मत भूलिएगा। मुझे प्राइमर लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेस स्मूथ सा हो जाता है, बटरी स्किन हो जाती है सॉफ्ट सी एंड फिर मेकअप करने में भी अच्छा लगता है एंड प्राइमर की वजह से मेकअप बहुत लंबे टाइम तक टिकता है। बाकी का मैं नेट पर अप्लाई कर रही हूँ। इतना स्मूथ लग रहा है मुझे तो अभी मुझसे मज़ा आ रहा है मेकअप करने में। मेकअप इज़ लाइक थेरेपी फॉर मी, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। प्राइमर लग चुका है गाइस, आपको डायरेक्टली सब चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। अभी मैंने प्राइमर लगाया, मैं 2 मिनट रुकूंगी उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। तब तक आप थोड़ा डांस कर लो, मस्ती कर लो, लाइक कुछ टाइम पास कर लो कैसे भी करके 2 मिनट। डायरेक्टली आपको एकदम एक के बाद चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था ताकि मेरे को एक साथ लंबी लंबी चीज़ें नहीं लगाना पड़े लाइक क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग और उसके बाद फिर सनस्क्रीन और फिर वापस प्राइमर, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक लेके लगाती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये शुगर का पॉप लिक्विड फाउंडेशन द शेड 03 वॉलनट। चलो इसको लगाते हैं, थोड़ा सा पंप लेना है आपको अपने हाथों में एंड मैं तो इसको डॉटेड मोशन में लगाने वाली हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है फाउंडेशन को डॉटेड मोशन में लगाने का, सब जगह इजीली अप्लाई हो जाता है। काफ़ी प्यारा सा इसका टेक्सचर है, अच्छे से पूरे फेस पे डॉटेड मोशन में लगा लेना जहाँ भी आपको लग रहा है एंड जो भी आपका एक्सपोज रहा है। ऐसा नहीं करना है कि आपने जो फाउंडेशन मतलब आपने फेस पर लगा लिया पर आप नेक पर नहीं लगा रहे हो, अगर नेक दिख रही है तो आपको ऑब्वियसली लगाना है वरना आपका फेस और नेक दोनों, फेस किसी और का नेक किसी और का, बिल्कुल वो वाला सीन हो जाएगा। तो गाइस जब भी आप मेकअप करो हमेशा याद रखना कि आपको ये लगाना है। मुझे मतलब बचपन से मेकअप पसंद है तो मैं गलतियाँ करती थी बट सीखती थी, धीरे धीरे मैं सीख गई सो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता था कि हाँ मेरे से मेकअप हो रहा है। सो गाइस अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं, मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना। अच्छे से ब्लेंड कर लो इसको बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए एंड पैचीनेस नहीं दिखनी चाहिए आपके लाइक बेस में वरना अच्छा मज़ा नहीं आएगा आपको लाइक मेकअप करने में एंड आपका मेकअप भी अच्छा नहीं दिखेगा। सबको जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। नेक पे भी अच्छे से मैं मिरर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम
कैमरे में अच्छे से नहीं दिख पा रहा है लाइक, इसलिए। एंड गाइस जब भी आप मेकअप करो ना, इतना छोटा सा ब्रश साथ में, छोटा सा लाइक मिरर साथ में रखा करो, आपको ना लाइक छोटी छोटी चीजें पता चलेंगी कि कहाँ पे पैची सा हो रहा है, कहाँ पे फाउंडेशन सही से ब्लेंड नहीं हुआ है, तो मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फाउंडेशन डन हो चुका है हमारा, आप देख सकते हो बेस बिल्कुल अच्छा हुआ है। अब मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर, जब मुझे ज़्यादा लाइक स्पॉट्स वगैरह नज़र आ रहे थे वहीं, और बिल्कुल मैं लाइट सा रख रही हूँ, ज़्यादा हैवी भी नहीं कर रही हूँ, हालांकि इसमें हैवी करना होता है, लाइक आपको अच्छा बेस चाहिए होता है, बट मैं थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली लाइक हैवी फाउंडेशन ज़्यादा नहीं पसंद हैवी बेस, क्योंकि वो फिर केके से लगता है, बट इसलिए मैं बहुत ही नॉर्मल सा करूँगी। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। थोड़ा सा मैं हैंड्स पे ले रही हूँ, मैं पूरा डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती इसी से। जहाँ जहाँ नीड लग रही ना गाइस वहाँ पे लगाना, ज़्यादा हैवी मत करना बेस को, क्योंकि यार वो पता है कैमरे में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इतना हैवी बेस करोगे ना तो आपको अंदर से भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका बेस भी बहुत केकी सा लगेगा, सो इसलिए मैं कह रही हूँ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अच्छे से टाइम लेके ब्लेंडिंग करना, जब भी आप कुछ लाइक बेस प्रोडक्ट यूज़ करो या आई शेड यूज़ करो, टाइम लेके अच्छे उसको मिक्स करो, ब्लेंड करो, ताकि मेकअप अच्छा लगेगा। इतनी बहुत जल्दी जल्दी करोगे ना तो सब कुछ बिगड़ सकता है, लाइफ में भी और मेकअप में भी। सो बेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, एंड गाइस बेस डन हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फ्लॉलेस सा लग रहा है। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर किट, कॉन्टोर पैलेट, एंड इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ, कैसा लग रही है मेरी कॉन्ट्रा पैलेट, इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड। अच्छा है, तो उनके हिसाब से ये अच्छा है। एंड इसको हम लगा रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। सॉरी गाइस, मेरे को खांसी हो रही है। एंड थोड़ा सा अपनी लाइक नोज पे भी लगा देंगे ताकि एकदम शार्प लुक लगे, थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे एंड थोड़ा सा नोज पे, एंड हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये रहा कॉन्ट्रोल ब्लश ब्रश, थोड़ा सा ऐसे रहेगा इसका, एंड आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल भी एकदम लाइन नहीं दिखनी चाहिए आपके फेस पे, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। गाइस देख सकते हो एकदम शार्प सा फेस लग रहा है, ये हमारा लाइक कॉन्ट्रोलिंग हो चुका है। एंड मैं थोड़ा सा पाउडर से सेट करूंगी, थोड़ी सी अंडर आईज को, ज़्यादा नहीं लगाने वाली पाउडर, क्योंकि फिर वो एकदम फटाफटा सा बेस लगेगा, इसलिए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ले रही हूँ कॉम्पैक्ट, आईज में लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ आपको नीड लग रही है सिर्फ आप वहीं लगाना। सो गाइस अब हम लगाएंगे आई शेडो, आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक की पैलेट। इसमें से सबसे पहले मैं लूँगी लाइक ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन जो मुझे लग रहा है, सबसे पहले मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और अपनी आईलिड्स को अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। दोनों आईज पे आपको लगाना है, साथ साथ में करना है दोनों आईज का मेकअप। अपनी आईलिड्स पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम लगाना गाइस, जल्दी जल्दी ब्लेंड मत करना। ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई है, एंड मैं अब ले रही हूँ थोड़ा सा लाइटर शेड ब्राउन का, ये वाला, उससे ज़्यादा डार्क है ये वाला, सबको इसको लेना है, थोड़ा सा ऐसे करना है, एंड अपनी आईलिड्स पे लाइक ऐसे ऊपर साइड क्रीज लाइन पे आपको लगाना है। थोड़ा सा और लेना है आपको ब्राउन शेड,
काफी ज्यादा लाइट लग रहा है। अब आपको लेना है थोड़ा सा बस ब्लैक पहले गाइस, इस थोड़ा सा बहुत मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, मेरी आईज बहुत छोटी, हुडेड आईज है, सो मैं बहुत फ्लैट सा ब्रश ले रही हूँ। आपको लेना है थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक वाला कलर आई शेडो, एंड अपनी बिल्कुल जब पे आप अलाइनर लगाते हो ना, आपको बस वहाँ पे अलाइनर जैसे इसको पतला सा लाइक अप्लाई कर लेना है, एंड लाइक इसको ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल आपको स्मोकी सा इफेक्ट देना है बस, कुछ इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग में अच्छे से टाइम लगाना गाइस, वरना वैसा आई शेडो कुछ अच्छे से खिल के नहीं आएगा। उसके बाद आपको वही ब्रश लेना है जिससे आप ब्राउन कलर अप्लाई कर रहे थे, सो मैं ले रही हूँ वही ब्राउन कलर, ये वाला इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसको ब्लैक के साथ ही स्मच कर लेना है आपको, ब्लैक और ब्राउन को अच्छे से ब्लेंड करना है आपको साथ में। आप देख रहे हो ब्लेंड हो रहा है धीरे धीरे साथ में, अच्छे से टाइम लगा के ब्लेंड करना है। काफी ज्यादा सटल सा एंड ब्राउन टोन में मेकअप है। इस टाइप से आपको आई शेडो लगाना है, इस टाइप से मैं अपनी दोनों आंखों में कर लूंगी। तो आपको थोड़ा सा ना ब्राउन एंड ब्लैक का लाइक स्मोकी इफेक्ट दिखाना है, बस यही है, सेम आईज लग रही है एकदम, देख सकते हो। एंड आपको थोड़ा सा लाइक अपने यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर लेके, एंड मैं इसमें काजल भी ऐड करना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है काजल लगाना। काफी आपको बोल्ड आईज दिखानी है, लाइक बोल्ड मतलब उस टाइप की बोल्ड नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा थोड़ी सी ड्रामेटिक आईज दिखनी चाहिए लाइक अच्छी सी, सो आपको काजल लगाना जरूरी है। मैंने लगा लिया काजल अच्छे से, कैसा लग रहा है आपको मेरा आई मेकअप लुक? आईज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा बाकी है अभी, मैं करूंगी आई लैशेस को कर्ल। 5, 4, 3, 2, 1। पता नहीं मुझे आंसू क्यों आते हैं, सब देख सकते हो आई लैशेस कर्ल हो चुकी है। अब लगाएंगे हम मस्करा, मैं यूज कर रही हूँ ये फैशन कलर का मस्करा, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मैंने तो ज़्यादा सुना नहीं है, बस खरीद लिया था इसको। एंड अच्छे से इसको गाइस डायरेक्ट अपना मस्करा अप्लाई नहीं करना है, बॉन्ड को अच्छे से पूरा साफ करना है, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है इसमें निकाल लेना। गाइस मेरी आईज डन हो चुकी है, मुझे तो ये आई मेकअप लाइक आई लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मॉब वाइफ मेकअप लुक में से। एंड चलो अब ब्लश ब्लश लगाते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लश लगाने की ज़रूरत है, चलो ब्लश लगाते हैं। ये रही मेरी मेरी ब्लश पैलेट, कौन सा ब्लश लगाएं, आई थिंक कोरल, मुझे कोरल बहुत अच्छा लगने लग गया आजकल, मुझे पहले इतना पसंद नहीं था। एक्सेस को ऐसे डस्ट ऑफ कर लेंगे, इस तरीके से आपको ब्लश लगाना है। ब्लश हो चुका है डन, बिल्कुल शार्प सा मेकअप लग रहा है। सो गाइस अब आ रही है लिपस्टिक की बारी, लिपस्टिक लगा लेते हैं अब। मैं यूज कर रही हूँ दो शेड्स, तो मैं थोड़ा सा ही शुगर का लगा रही हूँ, हम लगा रही थोड़ा सा मेबलिन का। काफी ज्यादा चॉकलेटी कलर है आप देख सकते हो, ये उसमें पिंक टाइप का दिख रहा है लेकिन है ये चॉकलेटी कलर, पता नहीं क्यों इसमें इतना ऐसा दिख रहा है। आई थिंक लिपस्टिक भी लग चुकी है, सो मेरा मॉब वाइफ मेकअप लुक होता है डन। एंड मेकअप तो गया, अब लग रहा है कि सेटिंग मिस्ट लगा लेना चाहिए, तो मैं यूज कर रही हूँ मेकअप फिक्सर नेचुरल सेटिंग मिस्ट, ये स्विस ब्यूटी का, मुझे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो उसे शेक करना है एंड थोड़ा सा डिस्टेंस लगाना है।
सो गाइस, ये था मेरा आज का मेकअप लुक, मॉब वाइफ मेकअप ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड या आज लेता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।